सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पहले जो हमारा वेल नोन इनकम टैक्स पोर्टल था इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, उसकी जगह अब आपको यूज करना है www.incometax.gov.in। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाती है वेबसाइट जो 7 जून 2021 को लॉन्च की गई रात को। चलिए जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में, थोड़े से फीचर्स अभी जो एक्टिव है उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि देखेंगे क्या क्या इसमें नया ऐड हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इम्पॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए जानते हैं क्या नया है वेबसाइट पर। इनकम टैक्स रिटर्न्स को खुद फाइल करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हमने studyworry.com, हमारी वेबसाइट है ये studyworry.com, यहाँ कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है इनकम टैक्स का। दिस इज वेरी पॉपुलर एंड डिमांडिंग कोर्स। जीएसटी का भी है और दोनों का कॉम्बो भी यहाँ अवेलेबल है। इनके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर इनकम टैक्स कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है अगर आपको खुद अपनी आईटर भरनी है, चाहे वो आईटर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास इस कोर्स के लिए यही आता है कि क्या ये अपडेटेड कोर्स है। जी हाँ, अपडेटेड कोर्स है, और इसमें असेसमेंट ईयर जो भी हमारा लेटेस्ट है जिसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है 21-22, उसके रिटर्न को फाइल करना दिखाया गया, जेएसओएन यूटिलिटी के थ्रू दिखाया गया। आपको जेएसओएन यूटिलिटी ही यूज करनी है क्योंकि जेएसओएन यूटिलिटी आईटर 1 और 4 के लिए अवेलेबल करा दी गई थी, तो वो यहां पर दिखाई गई है, स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग दिखाई गई है। तो आप इस कोर्स का भरपूर फायदा उठाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दिस इज अपडेटेड कोर्स और आपकी सारे कांसेप्ट इनकम टैक्स के से क्लियर हो जाएंगे। इस नए इनकम टैक्स पोर्टल को नाम दिया जा रहा है e-filing 2.0 पोर्टल। इसके फीचर्स आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसकी स्पीड यानी आपकी स्पीडी इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस होंगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप आपसे फाइलिंग कराई जाएगी जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं उस तरीके से। कन्वीनियंट रहेगा, ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, और यूजेबिलिटी इसका एक फीचर है। इसके अलावा एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है जिसपे आप बहुत सारे काम मोबाइल ऐप से ही कर सकते हैं, जैसे कि आपके रिफंड का स्टेटस चेक करना, टैक्स को पे करना एक्सेट्रा, वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। चैटबॉट की ऑप्शन दी गई है, एक लाइव चैटबॉट अवेलेबल कराया गया है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर है चैटबॉट, ठीक है, जैसे भी जो भी क्वेश्चन आप इनसे करना चाहते हैं कुछ के लिए तो यहाँ पर लिखा भी है और टाइप कर सकते हैं आप मैसेज, तो आपको कोई ना कोई आंसर यहाँ से जरूर मिलेगा। देन इजी टू यूज आईटीआर यूटिलिटी, आप सभी को पहले ही पता है कि आईटीआर यूटिलिटी इस बार चेंज कर दी गई है, अब जेएसओएन यूटिलिटी के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये एक्यूरेट होगा, इजी होगा ये यूटिलिटी को यूज करना, बट जेएसओएन से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना थोड़ा सा पहले से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देन मल्टीपल मेथड टू पे टैक्स ऑन द पोर्टल, टैक्स पे करने के लिए पहले क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नहीं थी, वो ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव कर दी गई है। तो मल्टीपल मेथड्स आपको दे रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। एनहांस्ड हेल्प सेक्शन विद यूजर मैनुअल एंड वीडियो, मैनुअल्स एंड वीडियोज अवेलेबल कराए गए हैं हर एक स्टेप पे, हर एक सेक्शन के लिए। रोल बेस्ड एंड यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड, जो नया डैशबोर्ड बना है वो रोल बेस्ड एंड यूजर फ्रेंडली है। सिक्योर एंड मल्टीपल ऑप्शंस फॉर लॉगिन, लॉगिन के भी सिक्योर एंड मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। तो इस वेबसाइट को विजिट करते ही आपको विदाउट एनी लॉगिन भी ऊपर बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द जो पर्सन का स्टेटस होता है वो है, यानी इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए अलग से एक टैब अवेलेबल कराई गई है, कंपनीज के लिए अलग, नॉन कंपनी यानी एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, एजेपी, फिर फर्दर उनके लिए कुछ ऑप्शंस है, फर्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी, टैक्स प्रोफेशनल्स जैसे कि सीए हो गए, एक्सटर्नल एजेंसीज हो गई, एंड टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, इनका अलग टैब। एंड डाउनलोड्स सेक्शन में, डाउनलोड्स में आपको यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स की ऑप्शन मिलती है, असेसमेंट ईयर यहाँ दिया है। पहले तो आप असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें, दो जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है आईटीआर 1 टू आईटीआर 4, उसमें से आईटीआर 3 और 2 अभी अवेलेबल नहीं है, 1 एंड 4 के लिए यूटिलिटी आई थी जेएसओएन यूटिलिटी।
ऐसे ही 5, 6 एंड 7 के लिए भी यहाँ लिखा है कि जल्दी ही यूटिलिटी आ जाएगी। फिर फर्दर आईटीआर वाइज आप देख सकते हैं यहाँ स्कीमा है, ये JSON स्कीमा है और यहाँ पे डेट भी लिखी होती है कि कब रिलीज हुआ था और लेटेस्ट रिलीज कब है, कब तक का अपडेटेड है ये वर्जन। ठीक है, आईटीआर का नोटिफाइड फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आईटीआर एंड इवन आईटीआर 1 जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा किसके लिए कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है। देन डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स के काम करने के लिए आपको ये यूटिलिटी चाहिए होती है, वो भी आपको डाउनलोड सेक्शन में मिलती है। तो हम होम पेज पे फिर से आते हैं। ऊपर की टैब्स दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहूंगी एक तो पोर्टल का नाम, दिस इज यहाँ पर ये डॉट पे क्लिक करेंगे तो ई फाइलिंग 2.0 द ऑल न्यू पोर्टल विद द फीचर्स दैट मेक ई फाइलिंग इजियर फॉर यू। और यहाँ पे गाइडेड टूर दिया है, इसे आप देख सकते हैं। देन माई प्रोफाइल, अपडेट योर प्रोफाइल के ऑप्शन है। यू आस्क वी आंसर, तो हेल्प टेक्स्ट सपोर्ट एंड चैटबॉट अवेलेबल है। देन फाइलिंग योर आईटीआर इज इजियर देन एवर बिफोर, तो यहाँ पे आपके पास ये टैब्स एक्टिव कराए गए हैं। नीचे आप आते हैं तो आपकी आर सर्विसेज में क्या क्या ऑप्शन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ई वेरीफाई, लिंक आधार का स्टेटस, ई पे टैक्स, इनकम टैक्स, ई फील्ड इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस, वेरीफाई योर पैन, नो योर टैन टैक्स एंड शो मोर आप करिए। तो कुछ पर्सन पूछ रहे थे कि इंस्टेंट ई पैन की ऑप्शन नहीं आ रही है, वो यहाँ पे शो मोर करने पे आएगी। ठीक है, ऑथेंटिकेट, नो इफ ऑर्डर और नोटिस रिसीव्ड, नो योर असेसिंग ऑफिसर, TDS ऑन कैश विड्रॉल, वेरीफाई सर्विसेज। ठीक है, तो ये थी आर सर्विसेज, आर सक्सेस एनेबलर्स, यानी डेटा दिया है यहाँ पे, न्यूज दी है, थिंग्स टू नो, वीडियोज एक्सेट्रा है, टैक्सपेयर्स की वॉइस, कमिटी टैक्सपेयर्स एंड मैनी मोर। तो ये था नीचे के टैब्स के बारे में। तो यहाँ से भी जो आप पहले काम करते थे ना इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग की वेबसाइट पे, जो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दी होती थी वो यहाँ दी है आर सर्विसेज में, ये अभी भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इनको आप जैसे इंस्टेंट ई पैन के लिए अवेलेबल है ऑप्शन, कुछ पर्सन को नहीं मिल रही थी, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एंड एचएएफ टैब में आप जाएंगे तो फर्दर इंडिविजुअल का बाइफर्केशन है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके लिए फर्दर टैब्स है, आपको गाइडेंस दी जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, रिटर्न फॉर्म्स आप पर कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं यहाँ क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से आईटीआर वाइज बताया है कि जैसे आईटीआर 1 किस पर एप्लीकेबल है, आईटीआर 2 किसके लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ से पढ़ के आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, ऐसे ही फर्दर टैब्स हैं, टैक्स स्लैब आपको जाननी है, डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट डिडक्शंस के बारे में आपको जानना है। टैक्स स्लैब पे क्लिक करते हैं तो पूरी टैक्स स्लैब आपके सामने आ गई एज ग्रुप के हिसाब से। तो अच्छा फीचर दिया है ये, जो हम जहाँ भी इस टैब पे जा रहे हैं ना, ये 1 by 1 अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे ना तो 1 by 1 वही नीचे नीचे ऑप्शंस अवेलेबल होती जा रही है। जैसे टैक्स स्लैब के बाद डिडक्शंस आ गई हैं, तो डिडक्शंस भी इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी के बारे में भी रीड करना है, सभी डिडक्शंस कवर कर दी हैं। देन सैलरीड पर्सन को और क्या जाना है, अपडेट करनी है अपनी प्रोफाइल, यहाँ से कर सकते हैं पर उसके लिए लॉगिन चाहिएगा। असिस्टेड फाइलिंग डाउनलोड्स, ऐसे ही बिजनेस प्रोफेशनल के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए, एचएएफ के लिए, अलग अलग टैब ऐसे कंपनी के लिए, तो इन टैब्स के अंदर ही फर्दर आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पे एक छोटा सा ये राउंड सर्कल है, इससे आप थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी व्हाइट थीम दिख रही थी, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ब्लैक कलर में हो गई। तो अगर आपको ब्लैक कलर की थीम अच्छी लगती है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे फोन्स को छोटा बड़ा करने की ऑप्शन दी गई है। देन वी हैव 2 more tabs, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वी नीड लॉगिन, तो लॉगिन की ऑप्शन दी है एंड रजिस्टर करने की ऑप्शन दी है, बिल्कुल सेम वही है जैसे हम पहले करते थे। चलिए एक लॉगिन करके यहाँ देखते हैं। सो लॉगिन करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपना पैन नंबर यहाँ एंटर करना होगा और कंटिन्यू करना होगा। देखिए अब यूजर आईडी के लिए यहाँ पर बताया भी है, नो योर यूजर आईडी। पैन नंबर किसके केस में हो सकता है, इंडिविजुअल्स एंड अदर देन इंडिविजुअल सभी के लिए। जनरली यूजर आईडी में पैन नंबर ही होता है, बट अब यहाँ पे लिखा है आधार नंबर भी हो सकता है, किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉय है, सीनियर सिटीजन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या NRI है। और अदर यूजर आईडी जैसे कि CA की अलग होती है, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, ई रिटर्न, इंटरमीडिएटरी, एक्सटर्नल एजेंसीज, उनको ARCA लगाना होता है फॉलोड बाय 6-digit नंबर अपने मेंबरशिप नंबर के आगे। अदर वे टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना लॉग इन कर सकते हैं।
तो पैन नंबर डाल के जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपको यहाँ कंफर्म करना होगा इस मैसेज पे, दिस इज टू सिक्योर योर एक्सेस, ठीक है, इसको आपको जरूर टिक करना है. देन यू नीड टू एंटर योर पासवर्ड. अगर पासवर्ड नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं. वहां पे तीन ऑप्शंस आएंगे, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, ई फाइलिंग ओटीपी के थ्रू या आधार ओटीपी के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं. जैसे ही आप पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो आपको ये वाला फिर से इंटरफेस मिलेगा, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल, आपका नाम लिखा होगा. दिस इज योर वन स्टेप सोल्यूशन टू इनकम टैक्स नीड्स. एंड यहाँ पे आपका प्रोफाइल स्टेटस होगा कि कितने परसेंट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, ठीक है. तो आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले प्रोफाइल इस बार अपडेट करिए, बिकॉज अपडेट प्रोफाइल करने से क्या क्या फर्दर सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट, डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, रजिस्टर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, अथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ, एंड मैनेज ITD रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. और यहाँ पे सर्विसेज जो आपको मिलेंगी इस डैशबोर्ड पे, फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म्स, ई वेरीफाई एंड अदर सर्विसेज. एंड यहाँ पे आ गए हैं आपके पास फर्दर टैब्स लॉगिन करने के बाद. यहाँ जो आपको ऊपर आपका नाम दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ माई प्रोफाइल की ऑप्शन आएगी. इस माई प्रोफाइल में जाके आपको अपनी प्रोफाइल करेक्ट करनी है, एडिट की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी. तो अपनी प्रोफाइल को जरूर अपडेट कर लीजिएगा. चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है, देन लॉगआउट. सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है, योर डैशबोर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपके डैशबोर्ड पे देखिए आपको एक ही क्लिक में क्या क्या अवेलेबल हो रहा है. इजिली फाइल नाउ की ऑप्शन मिल रही है, टैक्स डिपॉजिट, कोई टैक्स पेंडिंग है तो आप यहीं से डिपॉजिट का आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा. अभी इस केस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है. रीसेंट फेल्ड रिटर्न्स, ये देखिए एक किस तरह से आपको ये चार्ट के थ्रू दिखाया गया है. रीसेंट फेल्ड रिटर्न्स, टैक्सेबल इनकम आपकी, टैक्स लाइबिलिटी ऑरेंज कलर में, टैक्सेबल इनकम आपको ब्लू कलर में दिखाई गई है, टैक्स डिपॉजिटेड एक्सेट्रा. आपको यहाँ दो ऑप्शन हैं, आप चाहे तो इस तरह देख सकते हैं, सिंपली आ गया, और चार्ट के थ्रू देखना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है. तो दोनों ऑप्शन आपके पास रिसेंट फील्ड रिटर्न्स को देखने के लिए अवेलेबल कराई गई. देन पेंडिंग एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आपके लिए नोटिस है, कोई ऑर्डर है, कोई डिमांड है, वो अब आप पेंडिंग एक्शन टैब में देख पाएंगे. यहाँ व्यू ऑल करके सारे पेंडिंग एक्शन आपको दिखेंगे, यहाँ नंबर्स भी दिए होंगे तो यहाँ भी जीरो आ रहा है, कोई पेंडिंग एक्शन नहीं है. अगर होगा तो यहीं पे दिखाई देगा. कोई रिसेंट आपने फॉर्म फिल किया है तो वो दिखेगा. ग्रेवियंस अगर कोई आपने डाली है तो वो आपको यहीं पे दिखेगा. सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड. जो पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी, मोबाइल एंड ईमेल के साथ यहाँ पर शो हो रहा होगा. आपने लॉग इन कैसे किया है, एज सेल्फ किया है या किसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू किया है. कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपडेट करने की ऑप्शन यहीं से मिल जाएगी. बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने की ऑप्शन यहीं से मिल जाएगी. एंड योर अकाउंट इज नॉट सिक्योर विद ई वॉल्ट, ये लिखा है यहाँ पे, और सिक्योर अकाउंट करने की ऑप्शन मिल जाएगी. मैं भी आपको आगे बताऊंगी अकाउंट को कैसे सिक्योर किया जाता है और क्या इस फीचर को यूज करना चाहिए या नहीं. देन कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर है तो वो दिखेगी. इस केस में निल ला रही है, कोई डिमांड होगी तो आप उस पर क्लिक करके देख पाएंगे किस लिए डिमांड है. जैसे मैं निल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे निल ला रही है, कोई डिमांड होगी तो यहाँ पे बताई जाएगी. निल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं ऑप्शन पे पहुंच गई हूँ, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड. यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं या डिमांड रेफरेंस नंबर, और फिर उसको आपको यहाँ एंटर करना होगा और फिर यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगी. वैसे यहाँ नोट लिखा है, आउटस्टैंडिंग डिमांड डिटेल प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली. अभी अवेलेबल नहीं कराई गई है. यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट रिफ्रेश भी आ रहा होता है. तो इस तरह से आप सभी चीजें आपका जो नया डैशबोर्ड दिया गया है वहां से चेक कर सकते हैं. सबसे पहली टैब है ई फाइल की. तो इनकम टैक्स रिटर्न्स की ई फाइलिंग के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है. यहाँ जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं. पहले जो रिटर्न्स फाइल कर दी है उनको देखने के लिए व्यू फील्ड रिटर्न्स पे क्लिक करना है. रिटर्न्स की ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो दिस इज द टैब. 26 एज चेक करना है तो व्यू फॉर्म 26 एज की ऑप्शन है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर आईटीआर फाइलिंग. एंड डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा, यानी अब जो JSON यूटिलिटी आई है उसके लिए आपको प्रीफिल्ड डेटा चाहिए जो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे. चले वन बाय वन इन टैब्स पे हम क्लिक करके देखते हैं. पहले टैब पे क्लिक करें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न.
इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने असेसमेंट ईयर चूज करने के ऑप्शन आ गए एंड लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के आगे लिखा है करंट असेसमेंट ईयर। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन नहीं आएगी बिकॉज अभी ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए हैं आईटीआर फाइलिंग के। किसी और असेसमेंट ईयर पे जाएंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रही है 92CD मॉडिफाइड रिटर्न, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रोफाइल भी अपडेट नहीं की है तो कॉन्डोनेशन वाले ऑप्शन भी यहाँ नहीं आ रही है। ऑडिट करना है येस या नो देन सिलेक्ट योर आईटीआर, तो जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसा ही है। आईटीआर को भरने के लिए जो हमें सिलेक्ट करना होता था वही ऑप्शन यहाँ दी गई। व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक करते ही यहाँ आ गई ऑप्शन, द ई फील्ड रिटर्न आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड एंड व्यू। कौन से ईयर से स्टार्ट है? स्टार्टिंग असेसमेंट ईयर 2013-14। आप इस डेटा को चाहें तो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया है फाइलिंग टिल डेट, कब तक की है आपने, असेसमेंट ईयर आ रहा है, फाइलिंग का टाइप। देन यहाँ पे प्रोसेसिंग के स्टेप्स आ गए ग्रीन कलर के टिक के साथ, अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस्ड है तो स्टेप आ जाएंगे और नहीं होगा तो आई थिंक रेड कलर आ जाएगा। कौन सी आईटी फाइल की, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिल्ड बाय डेट और सेक्शन। एंड देन यहाँ पे हमारे पास रिसिप्ट को डाउनलोड करने की ऑप्शन एक्टिव हो गई है, एक्सएमएल को डाउनलोड करने की ऑप्शन एक्टिव हो गई है, बट जो फॉर्म है हमारा डाउनलोड करना वो अभी नहीं आया, दैट विल बी एनेबल्ड शॉर्टली यहाँ पे लिखा है। व्यू डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ और फर्दर आपको सारी डिटेल्स यहाँ से अपनी आईटीआर की मिल जाएगी। असेसमेंट ईयर वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे आइटम्स पर पेज आ रहा है 03, आप यहाँ से इन्हें इंक्रीज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे नीचे जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप व्यू ई फील्ड रिटर्न। देन हम जाते हैं ई वेरीफाई रिटर्न पर। यहाँ पे कोई भी रिटर्न ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है। यहाँ पे भी आपको ये सेशन टाइमर मिल रहा है, पहले नाम के साथ ये टाइमर चलता था, अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, ये टाइमर खत्म होते ही, सेशन टाइमर खत्म होते ही ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यू फॉर्म 26 ईयर्स, इसके लिए आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है और 26 ईयर्स को देखने के लिए वही आप ट्रेसिस की वेबसाइट TDSCPC पे चले जाएंगे, यहाँ क्लिक करके प्रोसीड करना है एंड व्यू फॉर्म 26 ईयर्स पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से चूज करना है, जो भी असेसमेंट ईयर जिसके लिए आप 26 ईयर्स देखना चाहते हैं, व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट द स्टेटस ऑफ योर 26 ईयर्स। अगर आपका GST नंबर एक्टिव है तो उसकी भी डिटेल वाइज आपको सारा टैक्सेबल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, रिटर्न पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही अगर आपका TDS कटा है, TCS कटा है, कोई रिफंड आया है, सो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ 26 ईयर्स विल बी अवेलेबल हेयर। और अगर आप इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, एक्सपोर्ट एज PDF। तो कुछ पर्सन मुझे कल बोल रहे थे कि 26 AS ओपन नहीं हो रहा, तो इट इज़ वर्किंग करेक्टली। अब आप देख सकते हैं अपना 26 AS। और हाँ, 26 AS अपडेट कब तक होगा? 21-22 असेसमेंट ईयर की जो आपको रिटर्न भरनी है उसके लिए 26 AS कब तक आपका अपडेट होगा? 30 जून के बाद, क्योंकि 30 जून तक TDS रिटर्न भरने का टाइम बढ़ाया गया था, उसी के बाद आपका 26 AS अपडेट होगा। तो अभी वेट कर लीजिएगा अगर 26 AS में पूरा TDS जितना कटा है वो अवेलेबल नहीं है। इवन अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ही पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आएंगे आपको मेरे चैनल पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन ई फाइलिंग में लास्ट ऑप्शन डाउनलोड प्रीफिल डेटा, इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, फाइलिंग टाइप चूज करना है, अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, हो जाएंगी और आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ हमने सभी ऑप्शंस देख ली। देन इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा जो फॉर्म्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई फॉर्म आपने फिल किया है वो आप व्यू कर सकते हैं और कोई फॉर्म आपको फिल करना है, जैसे कि फॉर्म 10 भी हो सकता है, नया फॉर्म 10IE इस बार हमें फिल करना है, लेट्स सी क्या वो अवेलेबल हो गया है। तो अभी फॉर्म्स में कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ है, जल्दी ही यहाँ अवेलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। ऑथराइज पार्टनर्स में आप अपने CA को ऐड कर सकते हैं, अदर पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन योर बिहाफ को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन अदर सर्विसेज जैसे कि रिफंड रीइशू की आपको रिक्वेस्ट डालनी है, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डालनी है, जनरेट करना है ई वेरिफिकेशन कोड, मैनेज करना है ITD रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड व्यू करना है आपको या डाउनलोड करना है ई पैन, तो वो ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ आधार नंबर डालते ही अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। पेंडिंग एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके डैशबोर्ड से ही मिल जाएगी ऑप्शन आपके पेंडिंग एक्शंस देखने की। यहाँ भी टैब दिया है,
तो ई फाइलिंग वॉल्ट हाई सिक्योरिटी ऑप्शन पे मैं आपको लेकर आई हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेट कर सकते हैं हायर सिक्योरिटी फॉर लॉग। इससे क्या होगा कि किसी और पर्सन के साथ अगर आप अपना लॉग इन शेयर करते हैं और आपने मान लीजिए नेट बैंकिंग के थ्रू इस पे हाई सिक्योरिटी लगा रखी है, तो आपका जो लॉग इन है वो नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगा, वो फिर यूजर आई डी पासवर्ड काम नहीं करेगा। आप डीएससी की सिक्योरिटी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो डीएससी से ही लॉग इन होगा। ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर विद आधार, यूजिंग बैंक अकाउंट एबीसी एंड यूजिंग डीमेट अकाउंट एबीसी, तो इनके थ्रू अगर आप करेंगे लॉग इन, तो यहाँ लिखा भी है प्लीज नो दैट इफ नन ऑफ द ऑप्शन आर सिलेक्टेड यू विल हैव डिफॉल्ट लॉग इन। इफ यू चूज एनी ऑप्शन देन इन एडिशन टू यूजर आई डी एंड पासवर्ड यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज दैट ऑप्शन टू लॉग इन और प्रोवाइड द एडिशनल वैलिडेशन। कई बार बहुत सारे पर्सन इन ऑप्शन को चूज करके ये सिक्योरिटी डाल तो देते हैं, बट बाद में अगर किसी और पर्सन से उन्हें आईटीआर फाइल करानी होती है, उनके साथ वो यूजर आई डी एंड पासवर्ड शेयर करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फिर इन्हीं ऑप्शन से ही एक्टिव होती है आपकी फर्दर आईटीआर फाइलिंग के लिए डैशबोर्ड। तो ये अगर सिक्योरिटी फीचर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली करना। अगर आप सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं तो ये अच्छा फीचर है, अदरवाइज इन पर टिक मत करिएगा। अगर टिक हो गया है, आपने ये एक्टिव कर दिया, तो आप यहाँ से अनटिक करके फिर इनको दोबारा से डिसेबल भी कर सकते हैं। सेट हाई सिक्योरिटी पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड रीसेट की भी यहाँ फर्दर ऑप्शन है। तो इस तरह से आप हाईली सिक्योर कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो पेंडिंग एक्शन आपके डैशबोर्ड पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी अवेलेबल है। वर्क लिस्ट, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ई प्रोसीडिंग, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कंप्लायंस पोर्टल आ गया आपका फर्दर, ठीक है, और क्या है रिपोर्टिंग पोर्टल। ग्रेवियंस की ऑप्शन मिलती है, सबमिट ग्रेवियंस एंड व्यू ग्रेवियंस स्टेटस। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरऑल व्यू। लेट्स सी, अभी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि इसमें क्या एनहांस्ड फीचर्स हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आईटी 1, 2, 3 और 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही studywori.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studywori.com एंड गेट बेनिफिटेड बाय आवर कोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।